गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों के बाद फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं आया हूँ अपने मामा गांव, और मामा गांव आया था तो घर में बहुत बोरिंग लग रहा था, सो इसलिए मैं आज खेत तरफ आ चुका हूँ, खेत देखने, खेत वगैरह देखने। आज हम लोग सुबह ही निकले थे जनकपुर से निकले थे सुबह ही, क्योंकि मेरे भैया का पहचान पत्र भी बनवाना था। वो बाहर जाने वाले हैं, न्यूजीलैंड जाने वाले हैं, सो इसलिए हम लोग आए थे, मैं और मेरे भैया। वो मेरे भैया घर में ही रह गया और मैं यहाँ खेत तरफ आ चुका हूँ। तो आज गाइस पहचान पत्र तो बन गया और नागरिकता का काम करवाना था, तो मेरे भैया का नागरिकता ऑनलाइन हुआ ही नहीं था, तो सो इसलिए आज वो कर्मचारी भी नहीं आया था। तो इसलिए आज हम लोग सोचे कि क्यों फिर से जाए जनकपुर और फिर से आए इधर, आज यही नानी गांव में ही रह जाते हैं, कल हम अपने गांव में भी जाएंगे। सो आज हम लोग यहीं बिताएंगे रात भर, और कल सुबह हम लोग अपने गांव जाएंगे, फिर वहां से 9-10 बजे हम लोग फिर चल जाएंगे कार्यालय में, वहां पे पहचान और नागरिकता को ऑनलाइन करवाना है, और फिर हम लोग जाएंगे जनकपुर, और वहां जनकपुर जाके फिर डॉक्यूमेंट वगैरह फिर कलेक्ट करना है मेरे भैया को, और उसका टाइम ज़्यादा नहीं है। सो वन ईयर बाकी रह गया है, सो इसलिए कल हम लोग चल जाएंगे जनकपुर। तो गाइस, आज हम लोग आप लोगों को खेत दिखाएंगे, देख मेरे पीछे देख रहेंगे आप लोग कितना सारा जंगल जैसा लग रहा है, गाछी वगैरह है, बहुत अच्छा शांति था वहाँ के एक। तो मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोचा कि चलो आज खेत तरफ ही चल जाएँ। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं अपने नाना के खेत तरफ, और थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे अपने नानी घर। अभी तो मैं बाहर हूँ, मेरे भैया घर में है, तो हम लोग मैं दिखाऊंगा वहाँ उसका नज़ारा, तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस, आज का मौसम देख रहे हो कितना अच्छा है, आज का मौसम भी कुछ अच्छा है, और सुबह सुबह बारिश भी हो गया, सो इसलिए हम लोग नहीं जा पाए आज जनकपुर, और काम भी नहीं हुआ था, तो सो इसलिए हम लोग यहाँ पर ठहर गए। और इस गांव का नाम है बिरता, जो धौंसा जिला में पड़ता है, धौंसा जिला वार्ड नंबर 2 में पड़ता है, सही नगर नगर पालिका वार्ड नंबर 2। और आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ जो एक घर है बड़ा, वो है यहाँ का चौकी पुलिस थाना, और ये जंगल वगैरह नहीं है, गाछी वगैरह है। आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कितना हरियाली है, गांव में ऐसा ही मौसम पाया जाता है क्या? गांव में कुछ अच्छा मौसम होता है, जैसे शहर में रहते हैं हम लोग ना, तो पंखा में रहते हैं भर दिन, और यहां आप लोग आओगे गांव में ना, तो उतना गर्म भी नहीं लगेगा आप लोगों को, क्योंकि देख सकते हो यहां बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह सब है, हरियाली मौसम है, मौसम भी कितना अच्छा है, देख ही सकते हो आप लोग। तो गाइस, यहाँ पे 2 बाइक है, एक है मेरा पड़ोसी मामा का और एक है मेरा। तो गाइस, मैं घर में आ चुका हूँ, और नानी घर में कोई नहीं अभी, क्योंकि ये शाम का टाइम है ना, अभी शाम हो गया इधर, तो सब लोग खेत गए हैं, और वहाँ से आप आएगा ना सब लोग, तो मैं आप लोग को सबको दिखाऊंगा, और तब तक के लिए देखिए वीडियो, पूरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अभी क्योंकि अभी कोई है ही नहीं घर में, तो मैं आप लोगों को किसको दिखाऊं, तब तक ये मेरा मामी का घर है, तो मैं इसमें सोता हूं, क्योंकि कोई है ही नहीं, तो मैं सो रहा हूं तब तक। और दोस्तों, हमारा बाइक भी उसी टाइम पे बिगड़ गया था, तो हम लोग मैं और मेरे भैया ने ठीक करने के लिए बैठ गए, और हम दोनों भाई मिल कर ठीक कर रहे थे उस। नानी जी सब कह जाए
तो गाइस अभी तो मैं अपने घर आया हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है इधर। बारिश हो रहा है तो हम लोग घर पे ही ठहर गए हैं। बड़े गाना सुन सी मन डर या चश्मा ले तू पहन ले ला पहना दे पहना टूटते टूटते पहना दू कथी तू सब सुनते रह रुक ना रुक ना जिया देखिए देखा भी था ए